सोमवार को जयपुर की वीर तेजाजी रोड पर किसान हुनकर रैली का आयोजन किया गया। रैली के तुरंत बाद भारत वाहिनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री घनश्याम तिवाड़ी के श्याम नगर स्थित निजी आवास मातृ मंदिर में आयोजित लंच में राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी, समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव के प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर संजय लाठव, उत्तर प्रदेश की सपा सरकार में मंत्री रहे डॉक्टर मीराजुद्दीन शामिल हुए। इस दौरान श्री घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि इस बार विधानसभा में तीसरे मोर्चे का लटकेगा और भाजपा कांग्रेस को चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि तीसरे मोर्चे की सरकार बनने के बाद सबसे पहले वंचित वर्ग, आरक्षण, युवा रोजगार, कर्ज मुक्त किसान, प्रदेश में चारों तरफ व्याप्त पेयजल की समस्या का स्थायी समाधान और ढांचागत भ्रष्टाचार की समाप्ति का कार्य किया जाएगा। आदेश पर तो किसानों का कर्जा माफ करेंगे, दूसरे पर 1,00,000 सरकारी नौकरियां हर साल देंगे, तो इसके अलावा भी और कोई दावा? इसके अलावा आपने कहा है कि जो राजस्थान की विधानसभा में वंचित वर्ग का जो आरक्षण का बिल पास हुआ है उसको हम लागू कर देंगे, उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, हम उसको लागू कर देंगे बिना न्यायालय के, बिना संविधान संशोधन के। जिस प्रकार से हमने राजस्थान में अन्य लोगों को आरक्षण दिया है, इनके भी गरीब लोगों को हम आरक्षण दे देंगे। सब किसानों की जहाँ तक आपने बात करी, संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे, यही सरकार ने भी 50,000 तक का कराया, संपूर्ण करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमने जो मैंने जो पत्र लिखा है उसमें विधानसभा में कहा है कि 82,000 करोड़ रुपए का कुल राजस्थान के किसानों पर कर्जा है और इसके बाद हर साल उन पर कर्जा हो जाता है। तो हमने दो बात लिखी है कि एक बार कर्जा माफ करने के बाद में दोबारा वो कर्जमान नहीं बने, इसके लिए भी हम आयोग बनाकर एक व्यवस्था करेंगे। जैसे 60,000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष कॉरपोरेट जगत को भारत सरकार अनुदान का देती है जबकि उसका GDP में योगदान बहुत कम है, तो किसानों का जिनका GDP में इतना बड़ा योगदान है तो उनको भी हर साल फसल के टाइम पर हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि दोबारा राजस्थान का किसान कर्जदार नहीं हो। टिकट वितरण कोई समस्या नहीं है, सबसे मिलजुल कर बात करेंगे और एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जब आगे बढ़ेंगे तो टिकट वितरण कोई समस्या नहीं आएगी। समाजवादी पार्टी के भी लोग नहीं आए, उनसे मेरी बात हुई है, वो जुड़ना चाहते हैं, अब थोड़ा समय लगता है, पार्टी में केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो सब उनसे पूछने के बाद में सब लोग मिलकर काम करेंगे। महागठबंधन की बात हुई।